कहानी की गुल्लक में हमारी आज की कहानी है बुद्धिमान खरगोश। किसी वन में एक सिंह रहता था। वह अकारण ही जीवों को मारा करता था। एक दिन सभी जीवों ने उससे निवेदन किया, महाराज प्रतिदिन आपके भोजन के लिए एक जीव स्वयं आ जाएगा, इस प्रकार आपको भोजन भी मिल जाएगा और हमारा जल्दी से विनाश भी नहीं होगा। सिंह ने उसकी बात मान ली। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वह जान बचाने का उपाय सोचते हुए सिंह के पास बहुत देर से पहुंचा। उसे देखकर सिंह गरजा, अरे खरगोश, तू इतनी देर से क्यों आया है? खरगोश बोला, स्वामी, मार्ग में मेरा रास्ता किसी दूसरे सिंह ने रोक लिया था। मुश्किल से उससे जान छुड़ाकर आ रहा हूं। सिंह गरजा, मुझे उस सिंह के पास ले चलो। कौन है जो मेरे जैसा है? खरगोश सिंह को एक कुएं के पास ले गया। सिंह ने जब कुएं में झांक कर देखा तो अपनी परछाई को दूसरा सिंह समझकर जोर जोर से गरजने लगा। उसकी गरज जब कुएं में गूंजी तो उसे दूसरे सिंह की गरज समझकर अपने उसी कुएं में उसने छलांग लगा दी और डूबकर मर गया। सिंह की मृत्यु का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। तो देखा आपने किस तरह छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धिमता से सभी जीवों की रक्षा की। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, बुद्धिमानी से अपने से अधिक बलवान को भी पराजित किया जा सकता है। मैं ऐसी ही कुछ और नई कहानियों के साथ फिर से वापस लौटूंगी। टिल देन, कीप लर्निंग।